घने कोहरे के चलते हरियाणा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यह हादसा शनिवार को अम्बाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के पास तब हुआ जब एक गाड़ी 2 SUV से टकरा गई। और ये बेसिकली 2 टावेरा कार्स थी जो इकट्ठे मूव करी थी चंडीगढ़ से। इसमें 2 फैमिलीज के लोग थे, एक में 10 लोग और एक में 11 लोग इंक्लूडिंग द ड्राइवर्स ये मूव कर रहे थे। तो जैसे एक गाड़ी में कुछ पेट्रोल लीक होने लगा तो दूसरी गाड़ी वाले ने ड्राइवर ने उसको बोला कि पेट्रोल लीक हो रहा है, तो उन्होंने साइड में गाड़ियां खड़ी करके वो चेक कर रहे थे कि क्या कॉज है लीक का। तो इतने में पीछे से कोई हैवी व्हीकल आया है जिसने पहले एक गाड़ी को और फिर दूसरी गाड़ी को हिट किया है। एक कार को थोड़ा डिस्टेंस तक वो ड्रैग करके लेके गए हैं। तो इसमें 7 कैजुअल्टीज हुई हैं, 2 तो ड्राइवर्स हैं और 3 लेडीज हैं और 3 माइनर्स हैं, एक 5 साल का बच्चा, एक 8 साल का और एक 17 साल का। तो ये कैजुअलिटीज हैं, बाकी इसमें 5 इंजर्ड हैं लेकिन वो अभी सब स्टेबल कंडीशन में है। PGI में भी रेफर्ड है, वो PGI सेक्टर 32 में रेफर्ड है चंडीगढ़ में, और एक पेशेंट यहाँ पे है। बट ये 5 बिल्कुल स्टेबल हैं और हमें आशा है कि ये फुल रिकवरी करेंगे। उस व्हीकल को लेके ऐसा है, हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम जो थी वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो मौके पे चले गए हैं। वहाँ पे हमें कुछ एक हेडलाइट और एक बम्पर मिला है जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम व्हीकल को आइडेंटिफाई कर सकें। हमने शॉर्टलिस्ट भी किया है कि कौन सी व्हीकल होने की पॉसिबिलिटी है इसकी, और उसके अकॉर्डिंगली जो पीछे के टोल्स हैं वहाँ से हम CCTV कैमरा की जो फुटेज है वो ऑब्टेन कर रहे हैं, क्योंकि टाइमलाइन प्रीटी मच क्लियर है, 15-20 मिनट का ब्रैकेट है। तो अगर वहाँ की फुटेज क्लियर होगी तो हम होपफुली इस गाड़ी को कम्प्लीटली पिन पॉइंट करके जल्दी अप्रहेंड कर पाएंगे।